वो जब हमारे संगठन है, ये संगठन जनता में जाके भाषण देंगे, हमारा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारे एससी के मिलने चाहिए, सिर्फ बीसी के मिलने चाहिए, इससे हमारे इतने पटवारी करने चाहिए, इतने मास्टर करने चाहिए, हमारे को ये भी ग्रांट मिलनी चाहिए, बैकवर्ड के इससे भी हमारे को एससी के इससे भी ग्रांट मिलनी चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, सारे करते बिना जितने भी संगठन है, बड़ी ईमानदारी से बता दो आप, चाहिए तो उसे हुआ करता है, उसे चाहिए करता है, जो चार पैसे उड़ ना सके उसे पानी चाहिए, दवाई चाहिए, बैठाने वाला चाहिए, जो अपंग लाचार और असहाय व्यक्ति हो उसे पढ़े पढ़ाए को कुछ ना कुछ सब कुछ चाहिए, रोटी चाहिए, पानी चाहिए, बिठाने वाला चाहिए, नहलाने वाला चाहिए, क्या हाथ पैर वाले को भी चाहिए, चाहिए करने से जब तेरे हाथ दे रखे, पैर दे रखे, बुद्धि दे रखी, चलने की मंजिल रखी, इतना चाहिए चाहिए कर रहा, कौन देगा तेरे को, अरे क्यों देगा तेरे को, चाहिए तो अपना कर ले, अगर करना है तो वोटा तुम्हारे को दे रखी है, संविधान में तुम्हारे को अधिकार दे रखा, चाहिए चाहिए मत करो, जो उठना कर लो, जो करना है वो करना सीखो, चाहिए से कुछ नहीं हुआ करता, चाहिए तो बहुत कुछ, क्यों दे भाई कोई तुम्हारे को, चार चार मिनट सड़कों के ऊपर रोटियां की चिनानिया आपके हाथ में, चार मिनट सड़कों के ऊपर रोटियां पका रहे, तुम चार मिनट के लिए यहां नहीं आ सकते, और चाहिए बहुत कुछ, क्यों दे तुम्हारे को कोई, तुम्हारे लिए तुम्हारे राजनीति के लिए, तुम्हारे हिस्सा के लिए लड़ाई को सड़कों में लड़े और लड़े तुम्हारे लिए, जो ये चाहिए चाहिए करने वाले लोग ना, सबसे पहला तो डर ठहरा ही नहीं, वो पूछोगे भी खड़े होगा लोगों ने, ये बताओ कि करना है, चाहिए नहीं करना है, बहुत हो गया चाहिए चाहिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुएं के पोषण से ढोल नहीं बनते, गालियां दाने देने से दुश्मन नहीं बनते, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आप विश्वकर्मा मंदिर में और महर्षि वाल्मीकि जी की पवित्र प्रकट दिवस पे बैठे हो, एक संकल्प उठा करके वो ही आदमी हाथ खड़ा करे जिसको चाहिए ही कुछ करने की क्षमता रखता है कि मैं कुछ करूंगा, जिसके मन में कुछ करने की मंशा हो, जो एक हफ्ते में मेरे को ज्यादा नहीं तो 7 घंटे एक टेलीफोन पर बैठना अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, या कहीं मार्केट में जाके या किसी गांव में जाके एक हफ्ते में दिन 7 और 7 दिन में 7 घंटे एक दिन के लिए दे दे, 1 घंटा या 1 दिन पूरा 7 मंदिर दे दे, जिस आदमी की मंशा हो कि ये बातें मैं बताऊंगा, अगर आपने मुझे मौका दिया मैं जनसंख्या के अनुपात में आपको 100% आरक्षण करके दिखाऊंगा, जिस तरह आज मराठे आरक्षण मांग रहे, पटेल आरक्षण मांग रहे, कापू आरक्षण मांग रहे, जाट आरक्षण मांग रहे, अरे जब सब आरक्षण मांग रहे, 5-4 ही जातियां तो रहेगी, राजपूत रहेंगे, ब्राह्मण बढ़िए रहेंगे, तो सारा का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में एक ही बनी ने बैठा ना, जिसका जो बैठा उसका सब का जो, ताकि कोई किसी को ठगना ना, एक परिवार में एक नौकरी, आज जिनके हाथ में सत्ता रही उनके लग रहे 10-10, बाकी का किसी का चपड़ा से नहीं लगे, साथियों सिस्टम ठीक करके दिखाऊंगा, ये सारे मजदूर और किसान, छोटे किसान और सारे मजदूर मनरेगा स्कीम 100 दिन की बजाय 300 दिन चलावांगे और सारे मजदूरों को खेत के साथ जोड़ देंगे, लेवे जितने काम वहां करना, आधे पैसे मजदूरी का सरकार देगी, आधे देगा वो जिसके खेत में काम करेंगे, मजदूर की दाढ़ी को उड़ी हो जाएगी और किसान को मजदूर हल्के रेट में मिल जाएगा,
और चौथी जो सबसे जरूरी बात थी, जब तक देश की आबादी कंट्रोल नहीं होगी ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। सरकारी नौकरी लेनी, सरकारी इंसेंटिव लेना, सरकारी खराब लेनी, सब्सिडी लेनी, कारोबार करना, भाई अपने बच्चे दो का परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो की नीति में आ जा, सरकार सब कुछ देने के लिए तैयार है, अगर तुमने बच्चे की लगातार की पैदा करने के अपने पहाड़ और रोटी का जब तक देश को सिस्टम में नहीं ठीक करेंगे ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन पूरी दुनिया छोटों की खेती कर रही है और चला रहे इस देश को नकारे लोग जो जनता ने नकार दिए। चोर दरवाजे से सारी राज्यसभा में बैठता मिनिस्ट्री बड़ी बैठी है, जो वार्ड में पंच नहीं बन सकते वो तो मिनिस्टर बड़े बैठे, हमने साहब से वोटर मांगनी है कि आपकी दुख तकलीफ सुने। जब तक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस देश में होली सोली फैसला लेने के काबिल नहीं होंगे तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। जो फैसला लोकसभा में लिया जाए राज्यसभा में कलरे चाटू नेता उसे ठाकर कचरे में फेंक देते हैं। अरे सिस्टम का अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था कि हम वो कम देंगे, निचले सदन में उनके गुलाम हिंदुस्तानी मुस्लिम कम की पालना करेंगे। आज भी सिस्टम वही चल रहा है, जिनको आप चुनके देते हैं वो लोकसभा लोअर सदन जो वहां पास हो आप सदन ठाकुर कचरे में डाल देते हैं। कहां वो प्रजातंत्र जिसकी आप आशा कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई काम करे। अगर आपने मुझे मौका दिया 2019 में मंदिर में खड़े कर रहा हूं दोस्तों, विषय मेरा राजनीति नहीं है, विषय मेरा राज करना भी नहीं है, विषय मेरा आयात प्रतिबंध करना नहीं है। मैंने भेदभाव के खिलाफ बंसीलाल के पास जंग छेड़ी, जब नहीं ठीक हुआ नहीं हमारे लोगों का हक मिला तो उसको हटा करके चौटाला बनाया। जब वहां भी जंग देखी जिसको हम बढ़ाते हैं वो हमें अंदर करने का प्रयास करे, हमारी सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में डाल ले। साथियों वहां विरोध करके जब इस्तीफा दिया अगले इलेक्शन में वो जीत गया, हमारे को अंदर करने का प्रयास करने लगे। जब उसने अंदर करने की लड़ाई लड़ी, साथियों आप मेरे पास शब्द नहीं है कुरुक्षेत्र और इस इलाका के लोगों के लिए, आपने मुझे तो बनाया कुरुक्षेत्र से एमपी और जेल में गया हूं प्रकाश चौटाला, यही है करती और यही है मर्जी। और आज भी इतनी बड़ी पार्टी एक पांच मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध में सेंट्रल और स्टेट सारी सीटें जितवा करके बीजेपी को दी, लेकिन जब बैकवर्ड के हिस्सों के साथ खिलवाड़ होने लगा, एक बड़ा बड़ी ताकतवर संगठित कौम ने बिगुल बजा दिया कि हम ये कर देंगे, यहां चला देंगे, दिल्ली चला देंगे, सरकार सरेंडर करके उनको रक्षा देने की और आपके विरोध में खड़ी होगी। वोट देने के बाद कोई आपका विरोध करे, सबका साथ सबका विकास का भाषण दे। और साथियों हम 12% पे रहे, ये 12% 52 था 27 ही नहीं होया, 27 जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा वो भी पूरा नहीं हुआ, ये 12 का साथियों 13% नहीं हुआ, हम उनको दोबारा वोट क्यों दें।